ब्राह्मण के विनाश का मतलब है विप्रत्व का विनाश। ध्यान दें, ब्राह्मण के विनाश का मतलब ब्राह्मण जाति का विनाश नहीं, ब्राह्मण की महिमा जिसके कारण है उस ब्राह्मणोचित धर्म का विनाश। ब्रह्मत्व का विनाश, विप्रत्व का विनाश बहुत अधिक हुआ। एक प्रश्न है, आप सब दाऊ जी के चरण सेवक हैं, हम अनुचित कहें तो आप टोक सकते हैं हमको। बड़े बूढ़े लोग भी बैठे हैं, देश के स्वाधीन होने के बाद जितनी तेजी से ब्राह्मणों के संस्कार विकृत हुए हैं, क्या उतने विकृत संस्कार अंग्रेजी शासन में थे? अंग्रेजी शासन जिन लोगों ने देखा है वे लोग भी यहां बैठे होंगे। अस्सी पिचासी वर्ष की आयु का कोई विप्र यहां विराजमान है? यही विराजमान है हमारे पूज्य पंडा जी विराजमान है, ये सब महानुभाव। उस समय आपने क्या देखा कि कोई ब्राह्मण बिना जनेऊ को हो, कोई ब्राह्मण बिना गायत्री के हो, कोई ब्राह्मण बिना चुटिया के हो? आपने कभी सुना कि ब्राह्मण ने कोई अशुद्ध वस्तु खाई या पी? अपनी बात नहीं कहनी चाहिए और विरक्त संतों को अपने पूर्वाश्रम का स्मरण नहीं करना चाहिए। हम अपने बाल्यकाल में अपने ही गांव में एक ब्राह्मण परिवार में खेलते हुए चले गए। 8-9 वर्ष की आयु रही होगी और वहां की माताजी ने आग्रह किया कि कुछ खा लो, तो दूध में रोटी मीड कर दे दी और दूध रोटी खा ली। स्वाभाविक बात है, बच्चे हैं, खेलते खेलते अपने मित्र के घर गए तो दूध रोटी खा ली, आग्रह किया तो खा लिया दूध रोटी। वहां से लौट कर आए तो शरीर की दादी ने पूछा कि कुछ खा लो, हमने कहा हम तो खाया है, क्या खाया है? तो अमुक के घर में, अमुक ब्राह्मण के घर में दूध रोटी खा के आए हैं। तुरंत उन्होंने कहा कि हम आचार्य वंश के हैं, वो हमारे यजमान हैं, हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, वे हमारे यजमान हैं, हम बड़ा छोटा नहीं कर रहे हैं, पूर्वज सनाड्य हैं, हम कान्यकुब्ज हैं, फिर वो हमारे यजमान हैं, हम लोगों ने कभी उनके यहाँ का कच्चा नहीं खाया और तुम्हारा जनेऊ हो गया और तुम कच्चा खा के आए, जनेऊ बदलो। पूजा भी हुई, जो पूजा होती है ना, जो माताएं घर में बच्चों की करती है, वो पूजा भी हुई और जनेऊ बदलना पड़ा। यज्ञोपवीत के प्रति कैसी निष्ठा थी, प्रपितामह एक खेत में गए, वहां एक आम के ठूंठ में जनेऊ आ गया और वो फंस गया होगा, चलते चलते वो टूट गया जनेऊ। अब यज्ञोपवीत टूट गया तो एक पग भी बिना जनेऊ के ब्राह्मण को चलना नहीं चाहिए। ठंड का समय था, वहीं बैठ गए, शाम का समय था, वहां से आए नहीं,
सब घर में चिंतित हो गए। पंडित राजधर जी नाम था उनका, लौट के नहीं आए। सब चिंतित हो गए, कहां गए कहां गए कहां गए। एक धीमर आया सवेरे और उसने कहा, महाराज पता नहीं, वो तो अपने खेत पे एक पेड़ के नीचे बैठे, किसी से कुछ बोलते नहीं है। उसने बताया, तब जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे पंडित दुर्गा प्रसाद जी, उन्होंने कहा पिताजी का जनेऊ टूट गया होगा। देखो पुत्र भी कैसे होते थे, वे प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत लेकर के गए और कुआ से जल खींचकर उनको स्नान कराया। जब यज्ञोपवीत बदला तब बोले। आज ऐसी श्रद्धा है जनेऊ के प्रति हमारी, ऐसी श्रद्धा है हमारी शिखा के प्रति, ऐसी श्रद्धा है हमारी गायत्री के प्रति। अंग्रेजी शासन में भी उतना नाश नहीं हुआ ब्राह्मणत्व का, चलो अंग्रेजी शासन से भी भयंकर समय था मुगल काल का। कम से कम अंग्रेजी शासन में तलवार की धार पर धर्मांतरण तो नहीं किया जाता था। मुगल काल में तो इस्लाम को कबूल करो नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। कितना अत्याचार हुआ, वेद पाठी ब्राह्मणों को तोप से बांध कर उड़ा दिया गया, हमारे धर्म ग्रंथ जला दिए गए, 6-6 महीनों तक आग शांत नहीं हुई। पर उस भयंकर मुगल काल में भी ब्राह्मणत्व का नाश नहीं हुआ। वे अपने जीवन की बलि उन्होंने चढ़ा दी, लेकिन अपने धर्म से समझौता नहीं किया, अपनी ब्राह्मणता को नहीं खोया, धर्मांतरण नहीं किया। बड़े बड़े कष्ट भोग कर भी धर्मांतरण नहीं किया, शिखा सूत्र नहीं छोड़ा, वेद पाठ नहीं छोड़ा। ब्राह्मणोचित कर्म नहीं छोड़े। अब मुगल काल तो नहीं है, अंग्रेजों का शासन तो नहीं है, अब देश स्वतंत्र है, लेकिन ब्राह्मणता का नाश कितनी अधिक मात्रा में हो रहा है। आज किसी महानुभाव ने हमको बताया था कि ब्राह्मणों की जनसंख्या में 8 करोड़ ब्राह्मण या 8 करोड़ से कुछ ऊपर ब्राह्मण इस समय देश में है, ये जनसंख्या है। चलो 8 करोड़ ही मान लो, ये गणना तो बहुत पहले बताई थी, कई साल हो गए, अब तो बड़े ही होंगे। कम तो नहीं होंगे, चलो 8 करोड़ ही मान लो। 8 करोड़ नहीं, शास्त्र में जिन लक्षणों के कारण, जिस त्याग तपस्या के कारण, जिस सदाचार के कारण, जिस भगवत भक्ति के कारण ब्राह्मण की महिमा है, ऐसे ब्राह्मण 1 करोड़ भी इस धरती पर हो जाएं तो युग बदल जाएगा। अरे 1 करोड़ भी नहीं, 1 लाख, महाराज कहां है, खोजोगे तो कठिनाई से। आप कहेंगे कि नहीं है, नहीं है ये नहीं कह सकते, रहेगा तो हमेशा, बीज नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन ब्राह्मण इस धरती पर नहीं रहेगा उस दिन ये धरती नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण ही नहीं रहेगा तो कलयुग के 4th चरण में भगवान कल्कि का अवतार विप्र कुल में होगा, इसका मतलब उस अंतिम चरण तक भी ब्राह्मण बचेगा। बचेगा तब ना भगवान का अवतार होगा, ब्राह्मण ही नहीं रहेगा तो अवतार कैसे होगा। कल्कि अवतार विप्र कुल में होने वाला है, लेकिन
लेकिन प्रायः ब्राह्मणों के संस्कार विकृत होते चले जा रहे हैं। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भगवान ने बड़ी कृपा की है, मानव शरीर दिया, मानव शरीर में भी ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, ये भगवान की कृपा, ये बलदेव की कृपा को हम मनावें, उनकी कृपा का आदर करें। आज समय है, नौकरी भी करनी पड़ेगी, व्यवसाय भी करना पड़ेगा, समय बहुत बदल गया है, ठीक है, परिस्थिति वसात आपको सर्विस करनी पड़ती है, आप सर्विस कीजिए, खेती कीजिए, व्यवसाय कीजिए, लेकिन अपनी ब्राह्मणता मत छोड़िए। समय से बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य कराइए। कितनी आयु में यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए? गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयीत, गर्भ से अष्टम अर्थात जन्म से सप्तम, 7 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए।